हेलो गाइस, तो लेकर आपके लिए और एक नया वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छा गेमिंग मॉनिटर बाय करने का सोच रहे हो जिसमें आपको हाईर रिफ्रेश रेट मिले, क्विक रिस्पांस टाइम मिले, जिससे आप आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी स्मूथ हो, और साथ ही साथ अगर आप एक वीडियो एडिटिंग के लिए भी एक अच्छा मॉनिटर बाय करने का सोच रहे हैं जिसमें आपको बिग स्क्रीन मिले, कर्व स्क्रीन मिले, जिससे आपकी जो वीडियो एडिटिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाए बड़ी स्क्रीन में, तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे टॉप 5 बेस्ट मॉनिटर्स फॉर गेमर्स और फॉर वीडियो एडिटर्स के लिए, जिसमें आपको अच्छा सा अच्छा हाईर रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा, कर्व स्क्रीन मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको बिग स्क्रीन भी मिल जाएंगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 की, और दोस्तों जो भी मॉनिटर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे इजीली जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो गाइस जो टॉप 5 पे हमारे लिस्ट में जो मॉनिटर आता है वो है LG 24MP। पहले ये जो मॉनिटर है काफी स्टनिंग लुक देता है, क्योंकि इसमें काफी पतली बेजल्स आपको देखने को मिल जाती है, और डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 23.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, IPS पैनल है, FHD का डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको रिस्पांस टाइम जो मिलता है 5 मिली सेकंड का रिस्पांस टाइम मिल जाता है, रिफ्रेश रेट जो ये मॉनिटर का वो है 60 हर्ट्ज का, और दोस्तों बात की जाए इसकी कनेक्टिविटी की तो इसमें आपको एक VGA पोर्ट मिल जाता है, 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपको 1 ऑडियो इनपुट मिल जाता है और एक ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, और इसमें आपको हेडफोन जैक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इसमें आपको 2.5 वॉट की स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसमें जो बेस है काफी बढ़िया है, और दोस्तों इस मॉनिटर का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है 178 डिग्री का, और साथ ही साथ IPS का पैनल है, तो जो आपको व्यू एक्सपीरियंस मिलेगा काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, कोई भी कॉर्नर से आप देखोगे तो आपको व्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छा इस मॉनिटर में देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली बात करते हैं इस मॉनिटर की प्राइस की, वेल ये जो मॉनिटर है इसकी जो प्राइस आती है 12,499 रुपीज। वेल ये मॉनिटर हमारे लिस्ट में 5th नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि इसमें आपको हाईर रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलता, बाकी अगर लुक और डिजाइन की तरफ देखे काफी पतली बेजल्स देखने को मिल जाती है, तो जिनको पतली बेजल्स और काफी अच्छा लुक वाला मॉनिटर होना और LG का ब्रांड वाला ही मॉनिटर होना तो आप इस मॉनिटर को देख सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं टॉप 4 की, तो जो टॉप 4 पे हमारे लिस्ट में जो मॉनिटर आता है वो सैमसंग की तरफ से सैमसंग LC27। तो गाइस इस मॉनिटर के जो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर है वो इस मॉनिटर का कर्व डिस्प्ले, जिससे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा काफी अच्छा मिल जाएगा, जो आपका मूवी एक्सपीरियंस हो गया, गेमिंग एक्सपीरियंस हो गया, वीडियो एडिटिंग होगी वो आपको कर्व डिस्प्ले में काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ इसमें आपको AMD FreeSync का सपोर्ट भी मिल जाता है, और इसमें एक गेमिंग मोड भी आता है जो गेमर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए इस मॉनिटर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो इस मॉनिटर में आपको 27 इंच का FHD+ कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसका जो रिस्पांस टाइम है वो है 5 मिली सेकेंड का, जिसका जो रिस्पांस टाइम वो है 4 मिली सेकेंड्स का, साथ ही साथ इसमें आपको रिफ्रेश रेट जो मिलता है वो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको 1 VGA पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, साथ ही साथ इसमें आपको 1 हेडफोन पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ दोस्तों आपको इस मॉनिटर में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। इस मॉनिटर का जो वेट है वो है 3.6 किलोग्राम का, और व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो इसमें आपको 178 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू व्यूइंग एंगल मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं इस मॉनिटर की प्राइस की, वेल इस मॉनिटर की जो प्राइस है 14,890 रुपीज, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। वेल इस मॉनिटर की कंक्लूजन की बात की जाए तो दोस्तों जिन लोगों को वीडियो एडिटिंग करना है स्पेशली ऑन बिग स्क्रीन, तो आप ये मॉनिटर को कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस अब चलते हैं टॉप 3 की तरफ, तो जो टॉप 3 पे हमारे लिस्ट में जो मॉनिटर आता है वो है AOC के तरफ से। वेल इस मॉनिटर में भी आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, और काफी पतले बेजल से काफी थिन बेजल्स आपको इस मॉनिटर में देखने को मिल जाते हैं, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस मॉनिटर का जो डिस्प्ले है वो 27 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको 4 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम भी मिल जाता है, हाईर रिफ्रेश रेट है 75 हर्ट्ज का, कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको 1 VGA पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट और 1 हेडफोन पोर्ट भी इसमें मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स भी है दोस्तों इसमें, और दोस्तों व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो इसमें आपको 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल्स मिल जाती है, जिससे आपका जो वीडियो एक्सपीरियंस होगा जो भी आप कॉर्नर से देखोगे आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको AMD FreeSync भी देखने को मिल जाती है, और इस मॉनिटर की जो प्राइस आती है वो है 14,990 रुपीज।
वेल जो लोगों को बड़ी स्क्रीन होना और उसमें आपको हाईर रिफ्रेश रेट होना और AOC वाला ब्रांड वाला मॉनिटर होना, तो आप इस मॉनिटर को देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं टॉप 2 और टॉप 1 की। तो जो टॉप 2 पे हमारे लिस्ट में जो मॉनिटर आता है वो LG की तरफ से LG अल्ट्रा। वेल ये मॉनिटर में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, ये इसका काफी अच्छा हाईलाइटिंग फीचर है। और साथ ही साथ आपको इसमें ना 1 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम भी मिल जाता है और इसमें आपको AMD फ्री सिंक का भी सपोर्ट मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस मॉनिटर की जो स्क्रीन साइज है वो है 24 इंच की, रिस्पॉन्स टाइम है 1 मिली सेकेंड का, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको रेडियन फ्री सिंक का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे जो ब्लैक स्टेबिलाईजर्स है मतलब जो ब्लैक लाइटिंग है, कोई मूवी होगी जिसमें काफी ज्यादा डार्क सीन है तो वो जो है आपको काफी अच्छे क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट और साथ ही साथ एक हेडफोन पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स भी, और व्यू एंगल इसमें आपको 178 डिग्री का मिल जाता है। और इस मॉनिटर का जो वेट है वो है 4 kg का और इस मॉनिटर की जो प्राइस आती है वो है 11,990 रुपीज। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं टॉप 1 की। तो जो टॉप 1 पे हमारे लिस्ट में जो मॉनिटर आया था वो सैमसंग LC24। वेल ये मॉनिटर का जो सबसे ज्यादा अच्छा हाईलाइटिंग फीचर है वो इसमें भी आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही साथ इस मॉनिटर में आपको कर्व स्क्रीन मिल जाती है, जिससे जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होगा काफी बढ़िया होगा, क्विक रिस्पांस टाइम भी है इसमें, AMD फ्री सिंक का भी सपोर्ट है। मॉनिटर की अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो दोस्तों इस मॉनिटर में आपको 24 इंच का FHD प्लस कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका जो रिस्पॉन्स टाइम है 1 मिली सेकेंड का, साथ ही साथ 144 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट भी है। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट और 1 VGA पोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इस मॉनिटर में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं विद 178 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। और इस मॉनिटर की जो प्राइस है दोस्तों वो है 15,250 रुपीज। तो गाइस जो टॉप 2 और टॉप 1 पे जो मॉनिटर आते हैं ये उन लोगों के लिए जिनको अच्छी गेमिंग करनी है हाईर रिफ्रेश रेट के साथ में, क्विक रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, तो मैं उन लोगों को ये मॉनिटर रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये जो मॉनिटर है ये काफी अच्छे है गेमिंग के लिए, हाईर रिफ्रेश रेट भी है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम भी है, अच्छा सा डिस्प्ले IPS पैनल है। तो गाइस आपको क्या लगता है इन सब मॉनिटर्स के बारे में आप मुझे जरूर से नीचे कमेंट डाउन में बताइए क्या आपको ये लिस्ट पसंद आई है। और दोस्तों अगर साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी ही हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।